कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत यात्रा पर हैं, लेकिन उनके भारत दौरे पर सरकार से उन्हें खास मेज़बानी नहीं मिल रही है। ट्रूडो को भारत में रिसीव करने सरकार ने एक जूनियर मिनिस्टर को भेज दिया। कनाडा में इसकी काफ़ी तीखी प्रक्रिया हो रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का भारत दौरा एक हफ्ते का है। शनिवार को जब ट्रूडो भारत पहुंचे तो उनकी आगवानी की केंद्र सरकार के राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। रविवार को ट्रूडो अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश में ताजमहल के दौरे पर थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम से नदारद रहे। जिला प्रशासन ने ही उनके स्वागत से लेकर सुरक्षा के सभी इंतजाम किए, जबकि कुछ समय पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जब अपने भारत दौरे के दौरान ताजमहल घूमने गए थे तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ वहां मौजूद रहे। जस्टिन ट्रूडो अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में भी जाने वाले हैं, लेकिन कनाडा मीडिया के अनुसार जस्टिन ट्रूडो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से नहीं मिलेंगे। दरअसल अप्रैल 2017 में कनाडा के रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन भारत दौरे पर थे। तब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरजीत सिंह सज्जन को खालिस्तान सिंपेथाइजर बताते हुए उनसे मिलने से मना कर दिया था। ट्रूडो अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह क्षेत्र गुजरात का अक्षरधाम मंदिर देखने पहुंचे। उधर पीएम मोदी कर्नाटक में महामस्तकाभिषेक महोत्सव में शामिल हुए। भारत में इससे पहले भी कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दौरे पर आ चुके हैं, जिनकी मेज़बानी का खास ध्यान खुद पीएम ने रखा है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार खालिस्तान समर्थकों के लिए कनाडा सरकार के नरम रवैये से नाराज है। हाल ही में कैनेडियन पीएम ने एक बयान में कहा था कि वो ना तो खालिस्तान के समर्थक हैं और ना ही विरोधी। भारत सरकार इस मामले में कनाडा से सख्त रवैया अपनाने की उम्मीद कर रहा था। आरुषि पुंडी, गो न्यूज़।